गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी शाम के बज चुके हैं 6:35। तो आज निकल रहे हैं अमृत पार्क जास बुकारो, वहीं पे है दरगाह पुल के पास। तो थोड़ा चलते हैं, आज थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। एक साल पहले मैं गया था, देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ है वहाँ पे। तो बने रहिए लास्ट तक, और पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। निकलते हैं बाहर। एक्चुअली थोड़ा सा अभी निकल का भूख लग रहा है, तो पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट वहाँ चलेंगे। तो एक दो घंटा घूम लेते हैं। फिलहाल ये स्टेट पीनट ही खा लेते हैं, और कुछ खाने को नहीं है। स्टेट पीनट खाते हैं। सो फाइनली चाय मिल गया, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं डायरेक्ट। थोड़ा थोड़ा मौसम खराब लग रहा है, हवा भी चलने लगा है। मैं भी सब सही हो। But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. पहुंच चुके हैं अमृत पार्क। ये है अपना अमृत पार्क। पहले चलते हैं गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में। पार्किंग में लगा दी है गाड़ी, और 10 रुपये टिकट है पार्किंग। टिकट घर से टिकट ले लिए हैं, 12 रुपये का एडल्ट का टिकट है। और टाइमिंग है दोपहर 3 से 9 बजे तक, विंटर टाइमिंग 11 बजे से 8 बजे तक। ये अमृत पार्क चास नगर निगम का मुख्य गेट है, अमृत पार्क। यहाँ टिकट के लिए दे दिए, आधा फाड़ के रख लिया, आधा मिल गया। सो अंदर प्रवेश करते ही आपको ये सुंदर सा दृश्य देखने को मिल जाएगा। पानी की फवार ऊपर से गिर रहा, और ये सामने हाथ जोड़े हुए परी खड़ी है। बाकी कुछ ऐसा ओवर व्यू है इस पार्क का। यहाँ तो फोटो शूट के लिए भी आ चुका है। ये सब नया आया है, ये सब माई लव वगैरह, ये दिल वगैरह, ये सब नया बनाया। बाकी फूड कोर्ट पहले से था। भाई साहब क्या व्यू आ रहा है। तो इसके आगे ये जो सामने दिख रहा है, ये फ्रंट गेट पे ही है। इसके पास खड़े होने के बाद ठंडी ठंडी हवा लग रही है, अच्छा लग रहा है। कुछ इस तरह से डिजाइन है यहाँ पे। तो जस्ट इसके बगल में जो ये फ्लोर है, उसके बगल में ये सब मशरूम का पौधा है, जो कि सीमेंटेड मतलब आर्टिफिशियल है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी फूल लग रहा है। और इसके बगल में ये सब है, तो ये पहले से था, जो जो बैल है, दो जोड़ी बैल, ये नया है। फोटो सेशन के लिए सही है ये वाला सेक्शन भी नया आया है, जो हर घर में पहले नहीं था। पहले का मतलब पिछली बार जब आया था तब की बात कर रहा हूँ, करीब साल भर हो गए। इस तरह से डिजाइन है ये अपना जो बैल है। साल से कम बच्चों के लिए बिलो 10 ईयर इधर कन्वर्ट भी है। ये पहले था, ये सब अभी भी अपडेट हो रहा है। उसके अंदर झूला वगैरह, बीच बीच में इस तरह से बैठने के लिए भी व्यवस्था है। सो जस्ट फन वर्ल्ड के बगल में फिलहाल तो ताला लॉक है इधर। यहाँ पे एक पार्क है जो कि महाभारत थीम पर है। ये श्री कृष्ण और अर्जुन जी महाभारत वाला जो संवाद था वही बंद है। तो इधर ऊपर तक हो गया, थोड़ा सा हाफ कवर हो गया। नीचे चलते हैं, तो नीचे काफ़ी कुछ है, वहाँ दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है, नीचे चलते हैं, थोड़ा क्लोज से ऑब्जर्व करते हैं। पौधों में लाइटिंग हुई है, नीचे जाने के लिए इस तरह से इन सीढ़ियों से होकर गुजरना होगा। साथ में स्माइलिंग बोकारो। तो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे धान कुटाई वगैरह जो भी कूटते हैं यहाँ पे, उसी का यहाँ पे
एक चित्रण किया गया है। और बगल में हुक्का पी रहे हैं बाबा, मतलब पहले जो ऐसा होता था ना उस तरह से दिखाया गया। और जो ललटेन हम लोग यूज करते थे ये, उसकी जगह अभी फिलहाल इसके जगह एलईडी बल्ब लगा हुआ है, बट ये ललटेन। और ये है, इसको क्या बोलते हैं, झोपड़ी हट वही है। तो ये था यहाँ पे, और इसके बगल में ये अपना स्माइलिंग बोकारो। यहाँ पे कुआं है, वेल है, जिसमें से पानी निकालते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि हम लोग कैसे पहले पानी के लिए, मतलब कुएं से पानी कैसे निकालते थे। भगवान बुद्ध की प्रतिमा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रदर्शित था। पहले तो झोपड़ी में हमारा पुरानी सभ्यता, और ये तो इस सेक्शन में था कि हम पहले अपने जो दैनिक कार्य थे कैसे करते थे। तो जैसे कुटाई था धान वगैरह का, और इस तरह उसके बाद पानी निकालने के लिए कुएं। तो ये यहाँ पे दो चीज़ों का वर्णन था, मतलब दिखाया गया था, इस तरह से प्रदर्शित था यहाँ पे। फिलहाल आगे चलते हैं। कलरफुल लाइट की वजह से काफ़ी सुंदर लग रहा है अपना ये अमृत पार्क चास वाला। ये ओवरव्यू है इस पार्क का नीचे से, ऊपर से दिखाया था अभी नीचे से। काफ़ी सुंदर कलरफुल लाइट है ना, इसलिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये इसके पीछे है टॉयलेट। ये पीछे वाला सेक्शन प्रसाधन का है। तो नीचे का हो गया, हम फिर से आ गए हैं ऊपर। एक और सेक्शन बचा है, जब एंट्री किए थे तो एक लेफ्ट था एक राइट, तो लेफ्ट से दिखाया था, अब राइट वाला सेक्शन में आ गए हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह है, पहले मशरूम का पौधा लगाया, कोई आर्टिफिशियल वाला सीमेंटेड, बाकी फूल वगैरह है यहाँ पे। और फूड कोर्ट इधर, खाने वाने की व्यवस्था है, खा सकते हैं। बाकी मेन आकर्षण का केंद्र तो ये जो ऊपर से फ्लो हो रहा है पानी का फवारा, वाटरफॉल यही है। तो कुछ ट्राई कर लेते हैं, फूड कोर्ट में आए हैं, इतनी दूर से आए तो कुछ ट्राई करते हैं। इधर है टोकन काउंटर, ये है अपना फूड कोर्ट, इधर है टोकन काउंटर। ये यहाँ पे कुछ सामान की रेट लिस्ट है, और ये कुछ और आइटम की लिस्ट है। सेल्फ सर्विस है, कुछ से लेना है। तो मैं कुछ खाने का नहीं, पीने का आइटम ले लिया हूँ। नहीं मैं ये चाय ले लिया हूँ, और कुछ नहीं ले रहा मैं, बस गर्मा गर्म पकौड़ा ब्रेड वगैरह निकल रहा था, मैं नहीं खा रहा फिलहाल। तो ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया, बस कुछ नया चीज़ है, आई लव माँ। ये पहले नहीं था, अभी आया है, अच्छा है। और ये वाला माई लव, ये भी शायद पहली बार आया, अच्छा लग रहा है देखने में। सो ये अमृत पार्क के कॉर्नर पे आ गए। ये था अपना आज का अमृत पार्क। ये जो रोड्स है ना, मतलब आने जाने के लिए, ये काफ़ी कूल है। मतलब इस तरह से बैरिकेडिंग है, लकड़ी के स्ट्रक्चर दिया गया है, बट है सीमेंटेड ही, तो ये काफ़ी कूल है कुछ इस तरीके से। सो गाइस, होप आपको इस ब्लॉग में थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। एंड गाइस, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।